ಗೌರವಿತ ವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತ ಯಾರಾದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಲಪಂಗ ಸುಳೆ ಮಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. बीजापुर का जो MLA बसन गौड़ा यतनाल, वो लपंग आदमी जो है, हम भी जो है कि नहीं बसन गौड़ा यतनाल छिनाल का बोल सकते हैं, हम भी जो है बसन गौड़ा यतनाल सुअर का बच्चा बोल सकते हैं। ये MLA पोस्ट की जो है बेहुरमती कर रहा है लपंग MLA, हमें इन्हें किसका बच्चा है हम नहीं पूछ रहे, तो इन्हें हमारे को छिनाल का बच्चा बोलने की इसकी क्या औकात है? इसके वो MLA है क्या, कार्टून चैनल चलाता है ये हमें पता नहीं। जब तू गाली दे के बात करता है तो हमें अंदाजा हो गया कि तू MLA है क्या, चपरासी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भाजपा के कुछ लीडरों ने गाली गलौज करने का वह ठेका ही ले रखा है और खासकर मुस्लिम समाज और मुस्लिम लीडरों को लेकर जो चाहे बयानबाजी और भद्दी गालियां बकना शुरू किया है। खासकर देखा जाए तो बीजापुर का MLA बसवगौड़ा यतनाल पाटिल जब भी मौका मिलता है हजरत टीपू शहीद की शान में गुस्ताखी करते हुए देखा जा रहा है। लिहाजा शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर यतनाल पाटिल ने एक बार फिर हजरत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह को गाली दी। उन अल्फाजों को हम दोहरा भी नहीं सकते, कोई तहजीब याफ्ता शख्स उन अल्फाजों को दोहरा भी नहीं सका। लिहाजा आज बेलगाम के मुहिब्बा ने टीपू सुल्तान यतनाल पाटिल के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए बेलगाम पुलिस कमिश्नर से मुलाकात फरमाई और इस पर मुकदमे दर्ज करने का मुतालबा पेश किया। बेलगाम पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एस बोरलिंगया ने कानूनी माहिरीन से मशवरा कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस वक्त टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के रियासती सेक्रेटरी फजल खान पठान और वसीम व्यापारी, टीपू सेना के नवी जमादार भीम आर्मी के मुनव्वर हुसैन मौजूद रहे। एक और बात का इस वक्त तस्करा मुनासिब समझूंगा कि MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी भद्दी गालियां यतनाल पाटिल की जानिब से दी गई। देखा यह जा रहा है कि MIM की तरफ से अब तक किसी तरह का रद्द अमल एहतजाज नहीं किया गया और ना ही किसी तरह का मुकदमा इस पर दर्ज किया गया। खासकर बीजापुर की बात की जाए तो बीजापुर में MIM के दो कारपोरेटर्स ने अभी कारपोरेशन इलेक्शन में जीत दर्ज की है और बेलगाम में भी बतौर सियासी पार्टी कारकुन है और यहाँ पर भी एक कारपोरेटर, लेकिन इस खामोशी की वजह अब तक समझ में नहीं आई। आजकल मुसलमानों को, मुस्लिम कायदीन को, यहाँ तक के दीनी रहनुमाओं की शान में तक गुस्ताखी करने का ट्रेंड जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त गाइडलाइन है कि कहीं पर भी कोई भी लीडर किसी भी मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ बयानबाजी करता है तो फौरी तौर पर किसी की कंप्लेंट का इंतजार न करते हुए कार्रवाई की जाए। लेकिन इंतजामिया भी बिल्ली की तरह आंखें मूंद कर दूध पीती नजर आ रही है। क्या अगर इसी तरह का कोई और बयानबाजी करता कोई और शख्स तो उसका क्या हाल कर दिया जाता? इस तरह के सवालात भी उठने लाजिम हो जाते हैं। इस तरह एक MLA को, एक अवामी नुमाइंदे को माँ बहन पर गाली देते हुए जेब नहीं देता। आज टीपू सुल्तान समिति की जानिब से मुतालबा करते हुए फौरी तौर पर रुकन असेंबली को रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके जहनी बीमारी का इलाज बीजापुर के अवाम जल्द कराया जाए, ऐसी बात फजल खान पठान की जानिब से कही गई। क्या वाकई इस पर कार्रवाई होगी, क्या यतनाल पाटिल को जेल होगी, ऐसी चर्चा अवाम में करते हुए देखा जा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आज जो है कमिश्नर ऑफिस के पास आने की और कमिश्नर साहब को मिलने की वजह यह है कि बीजापुर का जो MLA बसन गौड़ा यतनाल, वो लपंग आदमी, वो लपंग जो है हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के शान में, जिनको हम रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, शहीद रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी किया है और आइल फैल अल्फाज इस्तेमाल किया और गाली गलौज किया है। इसके लिए जो है उसके खिलाफ में FIR करने के लिए हम पुलिस कमिश्नर पास आए हैं और उनके पास एक कमिश्नर के पास हम जो है एक एप्लीकेशन दिए हैं और वो इंशाल्लाह जो है वो कल हमारे साथ बात करके FIR करेंगे बोल के एक वादा भी करे हैं। मैं जो है बसनगौड़ा यतनाल को पूछना चाहता हूँ कि हमारे भी जो है, हम भी जो है कि नहीं बसनगौड़ा यतनाल छिनाल का बोल सकते, हम भी जो है बसनगौड़ा यतनाल सुअर का बच्चा बोल सकते, हम जो है बसनगौड़ा यतनाल छिनाल का बच्चा बोल सकते हम लोग,
मगर हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है हमें एक संविधान दिया है, उस संविधान के दायरे में रख कर जो है हम काम कर रहे हैं। हमें जो है इस संविधान को छोड़कर काम नहीं करने वाले। इसके लिए जो है हम लीगली पोजीशन जो भी है वो पोजीशन से हम जो है यहाँ पर कमिश्नर साहब के पास आए हैं और काम करने के लिए। और मैं ख़ास करके हमारे जो पंचमसाली समाज के जो भाई हैं, मैं उनसे आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि हमारा और आपका बहुत अच्छा ताल्लुकात, बहुत अच्छा संबंध है, और ऐसे आदमी को आप जो स्टेज पर बटा रहे, जो हमारे में और आपके में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए जो है मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि ऐसे आदमी को आप स्टेज पर मत बटाओ। और बीजेपी के गवर्नमेंट से भी, मोदी सरकार से, और स्पेशली मोदी से और अमित शाह के साथ भी जो है मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे आदमी को MLA ना बनाए। ये MLA पोस्ट की जो है बेहुरमती कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, उसकी जो है इज्जत निकाल रहा है ये लफंग MLA। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर आए हैं, और वो हमारे को जो वादा भी कमिश्नर दिए हैं वो एफ़ करेंगे बोल के, लीगल ओपिनियन लेके जो है हम एफ़ करेंगे भी बोले हैं। वो अगर नहीं करे तो हम जो है कोर्ट के थ्रू जो है PLI दाखिल करेंगे हम, मगर हम इस बार जो है उसको जो है छोड़ने वाले नहीं। सर ये लपंग MLA जो है, इसके पहला भी जो है सारे मुसलमानों को जो है छिनाल का बच्चा बोले, और जो है हमें इन्हें किसका बच्चा है हम नहीं पूछ रहे, तो इन्हें हमारे को छिनाल का बच्चा बोलने की इसके क्या औकात है इसके। और ये अब जो है अब तक हमारे को बोला उन्हें, हम बर्दाश्त करें। अब जो है हमारे शहीद हज़रत टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्तागी किया है और गाली गलौज किया है, हमें कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले इसमें। और जो है पूरे कर्नाटक रियासत में, पूरे कर्नाटक स्टेट में जो है हमारी टिपू सुल्तान संघर्ष समिति और अदर्स जमात वालों को, अदर्स कमेटी वालों को मिल करके जो है हम पूरे प्रोटेस्ट करने को लगाने वाले हम ये। और जो है मैं जो है ये भी बीजापुर के खास करके लोगों से कहना चाहूँगा कि इसे लेके जाको एक बार कौन से भी पागल के हॉस्पिटल में एक बार ज़रा चेकअप कराओ इसको। इन्हें शाना है कि दीवाना है, ज़रा चेकअप करेंगे। अब धारवाड़ में भी शायद दवाखाना बंद है, दावणगिरी में दवाखाना है, वहाँ उसको भर्ती कराएंगे हम। और जो है इन्हें हमारे को छिनाल का बच्चा बोलने को बोले तो हमें इसका भी DNA चेक करेंगे, इन्हें किसका बच्चा है मालूम पड़ता है हमारे को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये यतनाड़ MLA जो है वो MLA है क्या, कार्टून चैनल चलाता है ये हमें पता नहीं। खामखा जो है हर वक्त मुसलमानों को लेकर जो है गालियां बकता है, और अब जो है हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो उन्हें घिनौनी हरकत की है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और बार बार जो हमारे बड़ों को जो है गालियां देता है, हमने तो आज तक किसी भी धर्मगुरु को गाली नहीं दी भी नहीं और आगे भी नहीं देंगे। ये हर वक्त जो है इलेक्शन में जीतने के लिए मुसलमानों को जो है हर वक्त गालियां देते हैं। और यतनाड़ से मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम ये DC ऑफिस में आते हैं और कमिश्नर साहब से मुलाकात करते हैं और लीगली जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं। हमें भी अच्छे से जवाब देना आता है, मगर तेरी औकात नहीं कि हम लोग तेरा जवाब दे, क्योंकि तू बहुत हल्का आदमी है, तेरी लायकी नहीं। जब तू गाली दे के बात करता है तो हमें अंदाज़ा हो गया कि तू MLA है क्या, चपरासी है। असल में तो तू चपरासी ही होना था, तुझे पब्लिक ने वहाँ की बीजापुर की MLA बनाया है। तो मेरी आजीजाना गुजारिश है पुलिस डिपार्टमेंट से कि ऐसे लोगों को जो है अरेस्ट करे, और जो है इनको जो आगे जो इनकी जो पार्टी है, शायद जो BJP पार्टी है, ऐसे लोगों को टिकट भी ना दे। ये हमारी अपील है।